आप बंद करो। काल है चारों से
जाने कांत की वस्तु व्यवस्था का दियो तक जग में न्यारा। दर्शक ये भव्य कहे बहुमान से लहराता है लहराए रहा जहान में त्रय के पावन नभ पर फहराता है मन भावन, सिद्धालय की ओर बढ़े जो उनकी परिणति हो पावन, पाए भविजन भव का किनारा मिला मुक्ति सोपान है लहराता है लहराएगा लहरा रहा जहान में। जिनवर की श्री जिनवर की दिव्य देशना फैला रहा जहान में मंगलमयी जिन शासन ध्वजिए लहराता है शान से मंगलमयी जिन शासन ध्वजिए लहराता है शान से लहराता है जिन शासन भजिए लहराता है शान से मंगलमय जिन शासन भजिए लहराता है शान से। कांत की वस्तु व्यवस्था का दियो तक जग में न्यारा स्यादवाद चिन्हों से अंकित केशरिया ध्वज अति प्यारा मुक्ति मार्ग का दिग्दर्शक ये भव्य कहे बहुमान से लहराता है लहराएगा लहरा रहा जहान में के पावन नभ पर फहराता है मन भावन फहराता है
सिद्धालय की ओर बढ़े जो उनकी परिणति हो पावन, पाए भविजन जन भव का किनारा मिला मुक्ति सोपान है, लहराता है लहराएगा लहरा रहा जहान में। सभी सादरमय बंधुओं को सादर जय जगदंबा। आइए विगत दिवसों से बहुत ही सुंदर मंगलमय तीर्थ वंदना के क्रम में बढ़ते हुए आज हम सभी दस लक्षण पर्व की पूर्व वेला की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत ही अल्प अवधि के साथ हमारे दस लक्षण पर्व धर्म आराधना के पर्व आ चुके हैं। आइए इस मंगलमय प्रसंग पर हम सभी अनेक तीर्थ क्षेत्रों की जो वंदना हमने की और आगामी दिवसों में दस लक्षण के उपरांत भी हम शेष तीर्थ क्षेत्रों की वंदना को पहुंचेंगे, ऐसे इस पावन प्रसंग पर अपने स्वरूप की आराधना करते हुए जिन जीवों ने मुक्ति श्री को प्राप्त किया, ऐसे 20 तीर्थंकर भगवान आज हम सभी छिंदवाड़ा नगर के पार्श्वनाथ जिनालय के दर्शन अभी हम सभी ने किए। बहुत ही भव्य मंदिर है जो कि छिंदवाड़ा का एक उपनगर हम कह सकते हैं, गांधीगंज में स्थित है और लगभग 6000 स्क्वायर फीट के भव्य संकुल के अंदर ये जिन मंदिर बना है। आपको पूर्व में भी एक बार यदि ध्यान हो तो हम सभी इस मंदिर के दर्शन को पहुंचे थे जब हमने मुकुट सप्तमी में पार्श्वनाथ भगवान का और निर्वाण कांड पाठ किया था। आज पुनः उसी जिन मंदिर के दर्शन करने के लिए हम सभी पहुंचे हैं। आइए सर्वप्रथम हम सभी विनय पाठ पूर्वक इन वितरागी भगवंतों का बारंबार अभिवादन करेंगे और विनय भाव के साथ में ये प्रणाम सजाएंगे कि हे प्रभु, जैसे आत्मस्वरूप की रमणता पूर्वक आप सर्व कर्मों से मुक्त हुए, ऐसे वह अंतरबल वह पुरुषार्थ मुझे भी प्रकट हो। इस मंगल भावना के साथ आइए हम पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन पूजन वंदन करते हुए आज विद्यमान 20 तीर्थंकर पूजन का पाठ करेंगे। प्रारंभ करते हैं पूजा पीठिका के अंतर्गत सर्वप्रथम विनय पाठ। पार्श्वनाथ भगवान की जय हो जय हो जय हो। सफल जन्म मेरा हुआ प्रभु दर्शन से अब समोत निरीक्षता पूर्ण हुए सबका हो दुर निवार सब कर्म अरो मोहादिक परिणाम स्वयं दूर मुझसे हुए देखत तुम्हें ललाम संवर कर मोटा हुआ शांत हुए मैदान हुआ सुखी संपन्न मैं नहीं आए ममता हो भव कारण में तात का नासक ज्ञान सुभा उदित हुआ मुझ में प्रभु लिखे आप समान मेरा स्वरूप जो ज्ञाना लिख गुण का आज हुआ प्रत्यक्ष सम दर्शन से भगवान दीन भावना मिट गई चिंता मिटी अशेष निज प्रभुता पाई प्रभु नान दुख कालेश शरण रहा था बोझता इस संसार में
से सीखा। निज स्वरूप में मगन हो पाऊं शिव अभिराम, इसी हेतु मैं आपको करता कोटि प्रणाम। आइए इस तरह से अभी हमने विनय पाठ किया। यही भावना है प्रभु मेरी परणति माही, राग देश की कल्पना किंचित उपजेनाय। आइए पूजा पीटिका भाषा प्रारंभ करते हैं। हिंदी की पूजा पीटिका है, हम सभी उसका पाठ प्रारंभ करेंगे। शेयर स्क्रीन के माध्यम से आप उसको देख पा रहे हैं। और आज ये जो हमारी छिंदवाड़ा धर्म नगरी के अंतर्गत पूजन का आह्वान किया गया दशलक्षण पर्व की पूर्व विधा पर, हमारे छिंदवाड़ा के ही जो मुमुक्षु महिला मंडल परिवार है, बहुत बड़ा मुमुक्षु मंडल परिवार है महिला मंडल, जिसके अंतर्गत हमारे यहाँ पर मुख्य रूप से जो नए उम्र की बहुएं हैं उन्हें छोटी बहुओं का ग्रुप कहा जाता है, और जो अनुभवी हैं और लंबे समय से यहाँ पर हैं उन्हें बड़ी बहुओं का ग्रुप कहा जाता है। ऐसे दो ग्रुप के रूप में छिंदवाड़ा के धर्म नगरी में समस्त मुमुक्षु महिला मंडल, और उसमें भी अनेक अनेक रूप से उनकी गतिविधियां आदि होती है। आज के इस पावन प्रसंग पर भगवंतों का स्मरण करते हुए आप सभी जब भी शेयर स्क्रीन के माध्यम से स्क्रॉलिंग करेंगे और केसरिया वस्त्र पे जो भी हमारी माताएं बहने दिखेंगी, तो निश्चित ही आप जान पाएंगे कि ये मुमुक्षु मंडल महिला परिवार है जो कि छिंदवाड़ा का है। आइए हम सभी पूजा पीटी का भाषा प्रारंभ करते हैं। जय नृपार्श्वनाथ भगवान की जय हो। अरे अंत शब्द सूरि नामा उपाध्याय साधु गुण धामा, परमेश की पद सुखकारी भोजन करो दुखहारी, परमेश की पद सुखकारी भोजन करो दुखहारी। ओम अनादि मूलं त्रिभ्यो नमः पुष्पांजलिं छिपे। चार मंगल शरण श्रेष्ठ है लोक में आप तेरो से साधु दया मै धर्म, अन्य में ढूंढना सुख दुख कार है वे स्वयं सुख रहते सुख नाम का मरम। प्रभु आपको लगी निश्चय हुआ शरण अपनी से कटते स्वयं सब कर्म, पाय दृष्टि तजो परम। ओम नमो अरहते स्वाहा पुष्पांजलि छिपे। मंगल विधान भाषा प्रारंभ होता है। द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र परिणति वात अपावन है, से ही पर भ्रमित है सुचिकारी तब आरानन है, प्रभु शांत ना सागर फिर मुद्रा हमें बताती है, जो शांति सुचिता घर में है बाहर से कभी ना आती है, वो हमारा मंगलमय आराध हमारी मंगलमय आजादी विकारी भाव भगे परिणति भी होगी मंगलमय, नाम मात्र है मंगलमय हे कर्म मोक्ष तुम मंगलमय, सम्यक आदि गुणयुक्त से तुम्हें रमन करो हे मंगलमय, ओ दुख कभी तत्क्षण विनाश स्मरण किए तुम समझ लो
नाग गद सभी दूर मोहे शिव हो ज्ञानानंद स्वभावी हूँ मैं 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 ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मंगल विधान पाठ के उपरांत आइए हम सभी जिन सहस्त्र नाम अर्घ के माध्यम से 1008 सुलक्षणों से सुशोभित वीतरागी भगवंतों का स्मरण करेंगे और जो हमने पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन किए थे ऐसे वीतरागी भगवंतों को बारंबार वंदन करते हैं। गुण अनंत है प्रभु आपके मेरी है सामर्थ का सहस्त्र नाम से अर्चन करके अर्घ चढ़ाओ आज यहाँ सहस्त्र नाम से अर्चन करके अर्घ चढ़ाओ आज यहाँ ओम भगवान जिन सहस्त्र नामे भ्यो अर्घम निरुपामेति स्वाहा। पूजा प्रतिज्ञा पाठ प्रारंभ होता है। जो तीन लोक स्वामी मुक्ति रमापति है ऐसा दिवाद नायक अनंत चार जो है आत्मरूप महिमा जिनने प्रकट दिखाई ऐसे त्रिलोक गुरु पुंगव है सृष्टि दायक पूर्ण ज्ञान दर्शन आनंद मीर वैभव ये प्रेरणा सतत ही मुक्ति है तुझको निज भाव द्रव्य दृष्टि से शुद्ध मैंने जाना परे आयु श्रुति हेतु अवलंब मैंने लीना पुरुषोत्तम है जगत हितंकर सब वस्तुएं तजूंगा निज पूर्ण ज्ञान हेतु पूर्ण भाव धारा परिणति हुई विकारी मैं पाप तो तजा है अब पुण्य भी तजूंगा मैं पाप तो तजा है अब पुण्य भी तजूंगा। पुष्पांजलि छिपे आइए इस तरह से अभी हम सभी ने पूजा पीठिका पाठ का वाचन कर रहे हैं। स्वस्ति मंगल पाठ पूर्वक 24 तीर्थंकर भगवंतों का स्मरण करेंगे। आप सभी को विदित है आज हम सभी छिंदवाड़ा के पार्श्वनाथ जनालय के दर्शन हमने किए और अभी 24 तीर्थंकर भगवंतों के स्मरण के उपरांत चूंकि ये तो भरत क्षेत्र के वर्तमान 24 के भगवंत है हम सभी विदेह आदि क्षेत्र में जो 20 तीर्थंकर विद्यमान है उनके पूजन करने के लिए आगे बढ़ेंगे। प्रारंभ होता है स्वस्ति मंगल पाठ। श्री वृषभाधिक अजित संभव अभिनंदन सुमति सुमति प्रदायक श्री पर्वतवर्षी सुपानंद प्रभु स्वस्ति दायक श्री पुष्प दत्त शीतल श्रीयांश श्रीवास भोज हर विमल प्रभु हर धर्म धर्म और शांति को मंगलमय मोक्ति विधायक है पुरुषार्थ मूल कारण सहायक बलका बना सकते वाणी हल्का
जो सर्वोषधियों की नीति है विधि अच्छी सुना टोटा समझड़ वैभव ठुकराओ तब मोरे वे मुक्ति से को आओ सखिया मंगल आओ सखिया आओ आओ सखिया मंगल आओ सखिया आओ आओ सखिया मंगल आओ सखिया आओ आओ सखिया मंगल आओ सखिया इस तरह से अभी हम सभी ने पूजा पीठिका का पाठ किया। आप सभी को विदित है आज हम सभी छिंदवाड़ा के बहुत ही भव्य गांधीगंज के पार्श्वनाथ जिनालय के दर्शन करने को पहुंचे हैं और इस क्षेत्र पर जैसा कि मैंने आपको बताया बहुत ही सुरम्य और एकांत में ये हमारा भव्य जैन मंदिर है जहाँ पर आप बहुत शांति पूर्वक स्वाध्याय आराधना पूजन का लाभ ले सकते हैं। ऐसे इस भव्य जैन मंदिर के पूजन के आमंत्रण कर्ता के रूप में आज हमारे छिंदवाड़ा के समस्त मुमुक्षु महिला मंडल परिवार का हम सभी अभिवादन करते हैं। मैंने आपको कहा भी था कि जितने भी केसरिया वस्त्र में मुख्य पने एक ड्रेस कोड के माध्यम से आज माताएं बहने हम देख पा रहे हैं ये सभी हमारे आज की पूजन के आमंत्रण करता परिवार हैं और आज इस सामूहिक आमंत्रण करता परिवार के रूप में हम सभी सर्वप्रथम देवशास्त्र गुरु भगवंतों का अर्घ करने के लिए हम उनको मंगल आह्वान करते हैं और दस लक्षण पर्व की भूल बेला में यही भावना भाते हैं कि आराधना का ये जो काल हमें आ रहा है वास्तव में हमारे स्वरूप की आराधना की दृष्टिकोण से हम इन दस लक्षण पर्वों की आराधना करें। क्षमा धर्म से धर्म की आराधना प्रारंभ करके क्षमा वाणी पर्व तक अपने क्षमा स्वभाव को दृष्टि में लें तो ये दस धर्मों की सार्थकता होगी और निश्चित ही ये जो पूर्व बेला है वह हमारे को परिणामों को सजाने के लिए भगवंतों का स्मरण करना ये इससे अच्छा और कोई कार्य दूसरा नहीं हो सकता। आइए प्रारंभ करते हैं देवशास्त्र गुरु भगवान का अर्घ। उसके पूर्व में भाई सचिन जी ऋषभ जी से अनुरोध करूंगा एक गीत के माध्यम से हम सभी देवशास्त्र गुरु भगवंतों को अर्घ अर्पित करेंगे और सभी माताएं बहने जो कि आज की पूजन के आमंत्रण कर्ता के रूप में हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो बहुत उत्साह के साथ में अपना जो भाव है वह समस्त देश विदेश के जो साधर्मी बंधु हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ आप अपना भाव अभिव्यक्त करें। हमारे नगर में सभी साधर्मियों का समूह पधारा है तो ये बहुत प्रसन्नता की विषय है। आइए प्रारंभ करते हैं देवशास्त्र गुरु भगवान का अर्घ। केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया 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 आज हमारो रंग केसरिया तुम केसरिया हम केसरिया तुम केसरिया हम केसरिया तुम केसरिया हम केसरिया तुम केसरिया हम केसरिया पूजा के परिणाम केसरिया पूजा के परिणाम केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया मीना भाभी ताली बजाए निज से गौतम दिखे न कुछ भी काई निज अनर्ग माया निज में ही अब हुआ समर्पण ज्ञानानंद सहज पाया देव से
सात गुरुवर सदैव हम परिणति में आदर्श रहो गायक मेरे ही सरता होने पार सदा अवगल मैं हो ओम ह्रीम श्रीदेव शास्त्रोभ्यो अनर्घ पद प्राप्तये अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। आइए पुनः एक बार अर्घ पढ़ेंगे। ओम ह्रीम श्रीदेव शास्त्रोभ्यो अनर्घ पद प्राप्तये अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। इस तरह से अभी हम सभी ने सर्वप्रथम पूजन के प्रारंभिक क्रम में देवशास्त्र गुरु भगवंत को स्मरण किया। श्री देवशास्त्र गुरुवर सदैव मम परिणति में आदर्श रहो, ज्ञायक में ही स्थिरता हो, निज भाव सदा मंगलमय। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, स्पॉटलाइट पर जब आपको किया जाता है तो आपको कैसा लगता है? अगर हमको ऐसा लगता है कि हमको सब देख रहे हैं और हमारे चेहरे पे मुस्कान आ गई तो हम भगवान को नहीं देख पा रहे, और यदि भगवान को देख के मेरे चेहरे पे मुस्कान आ गई तो मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ। यानी निश्चित ये समझ लेना, जिन दर्शन से निज दर्शन पा सदगुरु वचन सुहाय, मुझे कोई देख ही नहीं सकता। पुद्गल में ऐसी सामर्थ्य ही नहीं है कि जीव को देख सके, पर जीव में ऐसी सामर्थ्य है कि वह विश्व के अनंत अनंत पदार्थ उसके ज्ञान में झलके, ऐसा मोक्ष मार्ग, ऐसा निर्दोष तत्व वीतरागी भगवंतों से हमें प्राप्त हुआ। आइए हम सभी बढ़ते हैं विदेह क्षेत्र की वंदना करने के लिए, और वर्तमान 24 के भगवंतों को तो हमने पूजा पीठिका में स्मरण किया था। हम सभी विद्यमान विंसति 20 तीर्थंकर भगवंतों का स्मरण करेंगे। आप सभी जो लोग कर्णानियों के विषय में भी जानते होंगे, और लगभग ये विषय कोई बहुत नया नहीं है, बहुत पुराना नहीं है, आप सभी इसको आराम से परिचित होंगे। विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवंत मतलब कौन, आप के सामने शेयर स्क्रीन पर पहली पंक्ति ही आई है जिससे आप समझ पाएंगे। ढाई दीप में पांच विदेह हैं शाश्वते। ये जो ढाई दीप हैं इनमें पांच मेरु होते हैं, और इन जो पंच मेरु हैं इन पंच मेरु पर हर एक में 32 विदेह क्षेत्र, जहां कुल मिला के 160 विदेह क्षेत्र, और साथ में पांच भरत और पांच ऐरावत। इस तरह से कुल 170 जो भूमिया हैं उनमें तीर्थंकर भगवान विराजते हैं। अधिक से अधिक संख्या 170, और कम से कम यदि विदेह में विराजमान होंगे तो 20 तीर्थंकर। अभी हम जिन 20 तीर्थंकर भगवंतों का स्मरण करेंगे, सीमंदर, युगमंदर, बाहु, सुबाहु, संजातक, स्वयं प्रभ ऋषभानंद, अनंत वीर, सौरी प्रभ, विशाल कीर्ति, वज्रधर, चंद्रानन, चंद्रबाहु, भुजंगम, जयति, जयतिनेमी, वीरसेन, महाभद्र, देवयश, अजित वीर आदि तीर्थंकर भगवंतों की जय हो, जय हो, जय हो। आइए विद्यमान 20 तीर्थंकर पूजन स्थापना के लिए सब अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए, आ गए, भावना अपनी का फल हम पा गए, पा गए। हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए, आ गए, भावना अपनी का फल हम पा गए, पा गए। हम आ गए, हम आ गए, हम आ गए तेरे द्वार। हे प्रभु चरणों भाव से करो सहज आराधना, निज पद पाओ नाथ यही है भावना, है भावना। हम आ गए, हम आ गए, हम आ गए तेरे द्वार। हे प्रभु चरणों में तेरे आ गए, आ गए, भावना अपनी का फल हम पा गए, पा गए।
खुशियों में सारे भर गए हो बह गए आत्मा हूँ आत्मा आत्मा है सदा क्या एक स्वभावी आत्मा हूँ आत्मा ओम हिम श्री विद्यमान विंशति तीर्थंकर समो अत्र अवतार अवतार शंभो षडित्यावारणम् ओम हिम श्री विद्यमान विंशति तीर्थंकर समो अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठै ठै इति स्थापनम् ओम हिम श्री विद्यमान विंशति तीर्थंकर समो अत्र मम सन्निहितो भवभव षट् सन्निधिकरण पुष्पांजलि क्षिपे। इस तरह से अभी हम सभी ने विद्यमान विंशति तीर्थंकरों को 20 तीर्थंकरों का स्मरण किया और स्थापना पद के माध्यम से उनका मंगल आह्वान किया। पार्श्वनाथ भगवान की बहुत ही धवल स्वच्छ वर्ण की और ये एक सुंदर प्रतिमा आप सभी देख रहे हैं जो कि पार्श्वनाथ जिन मंदिर छिंदवाड़ा में विराजमान है। निश्चित ही भगवान की ये जो धवल कांति है ये हमें अपने परिणामों की धवलता की ओर संकेत करती है। यह धवलता कैसे प्रकट हुई? बाहर में जो ऐसे सौम्यता है, शांति है, समता है और धवलता है, इसका कारण बाहर नहीं है अपितु अंदर है। अपना गायक स्वभाव जब लक्ष्य में आता है और अपनी परिपूर्णता लक्ष्य में आती है तो सर्व विकारों से रहित शुद्ध यह परिणति प्रकट होती है और उस परिणति की प्रकटता के बाद जो अवस्था होती है वह भी पवित्र होती है। औदारिक परम औदारिक शरीर सहित तीर्थंकर परमात्मा समूषण आदि में विराजमान होते हैं। आइए हम सभी विदेह क्षेत्र के 20 तीर्थंकर भगवंतों का स्मरण करने के लिए और उनकी भक्ति गुणगान करने के लिए आगे बढ़ते हैं। चौपाई छंद के माध्यम से बहुत ही सुंदर भक्ति के द्वारा हम सभी अष्टक प्रारंभ करते हैं। आनंद अंतर माजना समाए आनंद अंतर माजना समाए अंतर माजना समाए जन्म पारस कुमार खुला मुक्ति का द्वार जन्म पारस कुमार खुला मुक्ति का द्वार अजित वीरति विद्वान वीसितंद्रभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जन्म निर्भपामिति स्वाहा क्रोधातिक दुर्भाव न सारे चमधार बब ताप मिटाए सी मंदर यादिक जित बीस चरणों में नित नाम शीष ओम भीम जी सी विद्वान वीसितंद्र भवाता विनाशनाय चंदनम निर्वपामिति स्वाहा ओ इंद्र सुख छतवी छतरूप जागलहुं आनंद अनूप सी मंदर आदिक जित बीच चरणों में नित नाम शीष ओ भीम सी विद्वान वीसति तीर्थंकर भ्यो अक्षय पद प्राप्त अक्षता निर्वपामिति स्वाहा हो त्यागू प्रभु आपम दुखदाए निश्चय परम शील प्रकटाए सी मंदर आदिक जित बीच चरणों में नित नाम शीष ओ भीम सी विद्वान विंशति तीर्थंकर भ्यो कामान उद्दर्शनाय पुष्पम निर्वपामिति स्वाहा ओ चुदा वेदनीय
निर्वाण की स्वाहा महात्म तुरत नसाए आप ज्ञान की ज्योति जगाए सीमंदर आदित्य जिन बीच चरणों में नित नाम शीश पारस कुमार खुला मुक्ति का द्वार जन पारस कुमार खुला मुक्ति का द्वार लोक में आनंद छाए आनंद अंतर वादना समाए आनंद अंतर वादना समाए ओ दीप का आइए दीप का हर गले तो क्या ओम एम सी विद्यमान में शक्ति की तंगाभ्यम मोहांधकार विनाश नाय दीपं निर्वपामिति स्वाहा से अभी हम सभी ने विद्यमान विंशति तीर्थंकरों को स्मरण किया और सीमंदर आदिक जिन बीस चरणों में नित नाउ शीश यद्यपि विदेह आदि क्षेत्र में वर्तमान में बीस तीर्थंकर भगवंत विराजमान है हम वहां नहीं जा सकते। आप सभी ने अष्टानिका पर्व की जब हम पूजन पढ़ते हैं और उस समय विचार करते हैं कार्तिक फागुन साढ़ के अंत आठ दिन माही नंदीश्वर सुर जाते हैं हम पूजे हिठाई। इसी तरह हम भरत क्षेत्र के जीव विदेह क्षेत्र नहीं भी जा पाते हैं तब भी ऐसे प्रसंग पर क्या हमें भगवान का विरह है ये दो बातों पर निर्भर करता है। यदि हम भगवान को भक्ति में अंगीकार नहीं कर रहे हैं तो सामने मंदिर हो भगवान सामने हो तो भी विरह है और यदि भगवान श्रद्धान में है उनके गुण श्रद्धा में बैठे हुए हैं तो फिर कदाचित भगवान प्रत्यक्ष में ना भी दिख पा रहे हो क्योंकि हमारी सामर्थ्य नहीं है तो भी भगवान है। मैं आपसे कहूंगा अभी बैक स्क्रीन पर आप सभी को एम्प्रेस सिटी के अंदर हम जब पूर्व में तीर्थ वंदना में गए थे
और नागपुर ज्ञानोदय की वंदना की थी, उस दिन भी ये ही भगवंतों के दर्शन आपको मिले होंगे, तो आपको स्मरण में आ गया होगा। मैं आपसे पूछता हूँ कि जो भगवान अभी हम जहाँ इनके दर्शन कर रहे हैं, ये भगवंत और विदेह में विराजमान भगवंत, कदाचित अवगाहना का अंतर हो भी जाए तो भी जो मूल लक्षण होते हैं भगवंत में, वह तो एक जैसे हैं। वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशी बना, समता, शांति, सौम्यता, ये लक्षण तो सभी वीतरागियों में एक जैसे ही होते हैं, हम उन्हें किसी भी नाम से पुकारे, सीमंदर, युगमंदर, महावीर, ऋषभ देव, किसी भी नाम से हम पुकारे, सब के सब वीतरागी हैं। आइए हम सभी जयमाला के माध्यम से इस विद्यमान 20 तीर्थंकर जो भगवंत विदेह आदि में विराजमान है, उनका बहुत ही सुंदर इसमें वर्णन किया गया है। छोटी सी पूजा है, आदरणीय पंडित रवि, हमारे ब्रह्मचारी रविंद्र जी साहब, आदरणीय पंडित साहब की है, और इस पूजन के माध्यम से उन 20 तीर्थंकर भगवंतों के नाम स्मरण और गुण चिंतन प्रारंभ होता है। जय माला। डोले डोले रे, डोले डोले रे, हटीला मोरा मन डोले, मन डोले, चंद्रवाला की आंगनी में मोर होले, चंद्रवाला की आंगनी में मोर होले, जिन मंदिर के आंगने में मोर होले, जिन मंदिर के आंगने में मोर होले, डोले डोले रे, डोले डोले हकीला मोरा मन डोले, मन डोले, चिनवाड़ा की, चिनवाड़ा की आंखे में मोर बोले, चिनवाड़ा की आंखे में मोर बोले, मंगलमय मंगल करण वितराग विज्ञान, मंगलमय मंगल करण वितराग विज्ञान, मंगलमय मंगल करण वितराग विज्ञान, मंजू भाभी ऐसे काम नहीं चलेगा, ताली बजाइए। 1 2 3 सभी हमारी महिला वर्ग, मुक्षु मंडल की महिला वर्ग, ताली बजाएं। 1 2 3 1 2 3 डोले डोले रे, डोले डोले रे, हटीला मोरा मन डोले, मन डोले, जिन मंदिर के आंगने में मोर बोले, मंदिर के आंगने में मोर बोले, मेरे ही नाच के गुणगाओ सुखता, मेरे ही नाच के गुणगाओ सुखता, डोले डोले रे हटीला मोरा मन डोले, मन डोले, चिनवाड़ा के आंगने में मोर बोले, चिनवाड़ा के आंगने में मोर बोले, डोले जी, डोले डोले जी, हटीला मारो मन डोले, मन डोले, जिन मंदिर के आंगने में मन डोले, जिन मंदिर के आंगने में मोर बोले। भगवंतों की भक्ति करते करते हमने ये परिणाम भी कहे, डोले डोले जी हटीलो मारो मन डोले। वास्तव में इस मन का जो डोलना है, ये जब तक भगवंतों का स्वरूप चिंतन नहीं होता है तो 5 इंद्रिय के विषयों में और संसार परिभ्रमण की तरफ होता है, लेकिन जब यह मन भगवान की भक्ति में, उनके चिंतन में लग जाता है, फिर यह डोलता नहीं है, अडोल हो जाता है। वीतरागी भगवंतों का भी तो जीव है, परिणामी है, तो क्या उनका मन डोलता है? उनके ज्ञान में तो पूरा विश्व झलक रहा है, और विश्व झलकने पर भी वह अचल है, अडोल है, अकंप है। निश्चित ही उनकी भक्ति में थोड़ा मन डोले, लेकिन उसके बाद विराम लेके उनकी भक्ति जैसे अडोल स्वभाव का अनुभवन करें, ऐसी भावना के साथ बहुत ही सुंदर अभी हम सभी ने यहाँ पर जयमाला का प्रारंभिक पंक्ति प्रारंभ की। आइए वीर छंद के माध्यम से जयमाला प्रारंभ होती है। अभी भक्ति के रंग में आप सभी रंगे थे, अब 20 तीर्थंकर भगवंतों का स्मरण होता है जयमाला के द्वारा।
अपनो जान के तारो मोको अपनो जान के तारो अपनो जान के तारो मोको अपनो जान के तारो अपनो जान के तारो मोको अपनो जान के तारो अपनो जान के तारों मोको
इस तरह बहुत ही सुंदर जयमाला के माध्यम से अभी हम सभी ने विद्यमान स्थितंकर भगवंतों का स्मरण किया। हमारे जो विगत चार पांच माह से यात्रा संघ चल रहा है, कल 116वीं वंदना हमने की थी भगवंतों की, और आगामी दिवसों में भी उस तीर्थ वंदना को दुष्लक्षण के बाद हम शेष क्षेत्रों की वंदना को जाएंगे। अनेक साधर्मी बंधुओं ने हमें पता लगता है आज हमें छिंदवाड़ा के कुछ मंदिर दिखाने का भाव था, पर कुछ तकनीकी कारण कहें और भी परिस्थितियां कहें कि हम वो व्यवस्था अपने घर की नहीं कर पाए, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत दूर रह कर के भी भावनाएं संजोते हैं, और ऐसी भी सूचनाएं मुझे मिली अभी जब हमने घोषित किया कि दशलक्षण पर्व पे अपने जो पूजाएं हैं प्रासंगिक चलेंगी, तो लोग बोले साहब हमने तो तीन क्षेत्रों की व्यवस्था तैयार की है, दो की है, पांच की है, क्या होगा। मैंने कहा क्षेत्र भी हैं, आप भी हो, हम भी हैं, और भावनाएं भी हैं, निश्चित ही वहां की वंदना होगी। आइए हम सभी हमारी इस तीर्थ वंदना क्रम में जो हमारे बहुत अभिन्न रूप से सहकारी रहे, जैसे अजीत जी भाई साहब और हमारे मुन्ना भैया आदि जो कि प्रारंभिक व्यवस्था में थे, अब तो सब लोगों के भाव बनते ही है और आज भी वैसा थे। अजीत जी भाई साहब अपने कुछ भाव रखेंगे, मैं उन्हें एक मिनट के लिए आमंत्रित करता हूँ। सभी को सादर जय जिनेंद्र। दशलक्षण पर्व अभी नॉक कर रहा है। इस आराधना के पर्व में सबके परिणाम अत्यंत शुद्ध होते ही है, अनेक आयोजन इस विषय में हो रहे हैं। क्योंकि मैं शाश्वत धाम संस्था से जुड़ा था तो आप सभी की जानकारी के लिए मैं दशलक्षण पर्व पर शाश्वत धाम की ओर से जो कार्यक्रम होने वाले हैं उसकी सूचना देना चाहता था, क्योंकि हमने ये तय किया है कि इसको आराधना पर्व के तरह ही इसको मनाया जाए, ना कि कोई ज़्यादा राग रंग की कोई ये उसमें आयोजन हो। और हमारे सौभाग्य से ब्रह्मचारी कल्पना बहन जी वहाँ पर विराजमान हैं शाश्वत धाम में, उनका भी हमें लाभ मिल ही रहा है। तो शॉर्ट में मैं आपको बता रहा हूँ कि सुबह 7:15 से 8:15 तक वहाँ पर शाश्वत धाम में जो सिमंदर जिनालय है वहाँ से आदरणीय राजकुमार जी भाई साहब के माध्यम से हमको पूजन अभिषेक पूजन इत्यादि का हमें लाभ मिलेगा। 8:30 से 9:30 तक पूज्य गुरुदेव श्री के जो सिद्धि प्रवचन चलते हैं अपने, अभी प्रवचन सार चल रहा है वही चलेगा। सुबह की सभा में इतना ही है। दोपहर की सभा में 2 से 3 बजे तक कल्पना बहन जी का सुखी होने के उपाय मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के आधार से यह प्रवचन श्रृंखला चलेगी। 3 से 3:15 बजे तक तत्वार्थ सूत्र यानी मोक्ष शास्त्र का वाचन हमारी शाश्वत बालिकाएं करेंगी, और 3:15 से 4 बजे तक आदरणीय राजकुमार जी शास्त्री जो छिंदवाड़ा के लिए जुड़ रहे हैं तो वही कार्यक्रम शाश्वत धाम से भी लाइव होगा, तो उसका भी लाभ। और उनका विषय है तत्वज्ञान तरंगिणी, तो छिंदवाड़ा के लोग तो ऐसे भी जुड़ेंगे और अन्य भी लोग अगर जुड़ना चाहते हैं तो 3:15 से 4 बजे तक, शाम को 6:30 से 7 बजे तक प्रतिक्रमण शाश्वत बालिकाओं द्वारा होगा,
वहाँ पर जो शाश्वत धाम में हम हमेशा शाम को प्रतिक्रमण, दोपहर को मोक्ष शास्त्र का वाचन ये अवश्य करते हैं। गत वर्ष में आपने आपको याद होगा कि हमारी बालिकाएं अनेक नगरों में गई थी, शाश्वत धाम की अनेक बालिकाएं विभिन्न नगरों में, बड़ौदा, दाहोद, बड़नगर, रतलाम, ऐसी जगह पर जाकर उन्होंने धर्म आराधना और प्रभावना का काम किया था। लेकिन इस बार सभी बालिकाएं आपको ऑनलाइन माध्यम से ही अभी यह प्रभावना का लाभ मिलेगा। और रात्रि को 7 से 8 अंतिम प्रवचन कल्पना बहन जी का ये होगा, धर्म के 10 लक्षण। आपको जैसी भी सुविधा मिले, आपको अन्य कार्यक्रमों में जुड़ना है तो भी स्वागत है, इस कार्यक्रम में जुड़ना हो तो भी स्वागत है, तो आप सब लोग अवश्य इस आराधना पर्व को, इस शाश्वत आराधना पर्व को अच्छी तरह के से मनाएं। कल आदरणीय कल्पना बहन जी ने एक बहुत सुंदर 15 मिनट की ऑडियो भेजी है, 16-17 मिनट की ही ऑडियो है कि पर्व किस तरह से मनाना चाहिए। विवेक जी वैसा मैं आपको स्वाध्याय प्रेमी ग्रुप पे वो फॉरवर्ड करता हूँ, तो आप अवश्य उसको आगे चलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अजीत जी भाई साहब, जो कि हमारे साथ में बड़ौदा से प्रतिदिन जुड़ते हैं। गुरुदेव श्री के प्रवचन का भी उपक्रम आपने कुछ दिवसों से प्रारंभ किया है, निश्चित ही गुरुदेव श्री की तत्व प्रभावना की जो चर्चा है वह बहुत आवश्यक और महती है। इसी के साथ साथ अभी उन्होंने जिस तरह से शाश्वत धाम की गतिविधि बताई, पूरे देश विदेश में सब जगह सभी तरह से गतिविधियां मोक्ष मंडलों के आयोजकत्व में संपन्न हो रही हैं। विद्वान भले प्रत्यक्ष रूप से ना पहुंच पाए पर अप्रत्यक्ष रूप से ऑनलाइन माध्यम से जुड़ रहे हैं। आप सभी से पुनः पुनः अनुरोध है, आज का जो आयोजन मोक्ष मंडल छिंदवाड़ा के सानिध्य में संपन्न हुआ और हमारी जो मोक्ष महिला मंडल है इनने आमंत्रण कर्ता के रूप में रहे, हमारे यहाँ पे भी छिंदवाड़ा मंडल के मांगलिक आमंत्रण पर, भावभीनी आमंत्रण पर पंडित रजनी भाई जी दोषी हिम्मत नगर ने हमें स्वीकृति दी है, जो कि हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। सुबह शाम दोनों समय उनके प्रवचनों का लाभ होगा। साथ ही साथ पंडित अंकुर जी शास्त्री जो कि भोपाल से हैं, उनके माध्यम से युवाओं की प्रमुखता से प्रातः काल कक्षा रहती है और दोपहर की सूचना आपको उन्होंने दी कि जो हमारे पंडित राजकुमार जी साहब उदयपुर हैं, जो हमारी यात्रा संघ के अभिन्न सदस्य रहे हैं, प्रतिदिन जुड़ते हैं हमारे साथ में, वह भी दोपहर में 3:15 से 4:15 छिंदवाड़ा मंडल के आमंत्रण पर कक्षा लेंगे, जिसे छिंदवाड़ा मोक्ष मंडल के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप देख सकेंगे। इन दिवसों में 10 लक्षण पर्व के दिवसों में कक्षा संबंधी जो क्लासेस हैं, जो आप अभी मंगलम देव देशना जैन रिसर्च सेंटर पे देखते थे, वह आप नहीं देख पाएंगे क्योंकि उसमें मैं जहां पर ज्वाइन रहूंगा उनकी कक्षाएं उसमें चला करेंगी और जो रजनी भाई जी और अन्य विद्वान छिंदवाड़ा की प्रमुखता से यहाँ रहेंगे उनकी सारी जानकारी और सारी जो लाभ है, यदि जो भी साधर्मी लेना चाहेंगे उनको YouTube और जो चैनल है उसके माध्यम से प्राप्त होगा। छिंदवाड़ा मोक्ष मंडल छिंदवाड़ा नाम से चैनल रहेगा। इस तरह से हमने आज सभी ने विद्यमान भीष्मतीर्थंकर भगवंतों का स्मरण किया और बहुत ही सुंदर पंक्ति के माध्यम से इस जयमाला की चर्चा को पूर्ण किया था। धर्म तीर्थ तह शाश्वत वर्ते, महिमा मुझसे कहीं ना जाए, धन्य धन्य जो प्रत्यक्ष देखे, सुने दिव्य धनी बोध लहाए। जहाँ सदैव चौथा काल वर्तता होगा वह स्थान कैसे होते होंगे, वहां के जीवों का पुण्य उदय कैसा होता होगा, जहां हमेशा प्रत्यक्ष भगवंत के दर्शन और दिव्य धनी का लाभ मिलता है। हम तो उन दिव्य धनी के अंश को, जो जिन श्रोत है, विद्वान है, आचार्य मुनि भगवंतों के माध्यम से हम उसे प्राप्त करते हैं, पर स्वयं वीतरागी परमात्मा के मुखारविंद से दिव्य धनी का लाभ प्राप्त होता होगा। ऐसे पावन क्षेत्र विदेह क्षेत्र के 20 तीर्थंकर भगवंतों को हमने अर्घ अर्पित किया। आइए अंतिम अर्घ जो इस जय पूजन के उपरांत का है वह प्रारंभ होता है। आई आई अंतर में सिद्धों की महिमा, 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 कुछ ले चे आनंद लो, कुछ ले चे आनंद लो, प्रभु मारा नाचे रहा मन मोर, प्रभु मारा नाचे रहा
इस तरह से अभी हम सभी ने यहाँ पर 20 तीर्थंकर भगवंत की पूजन पूर्ण की। आइए 24 तीर्थंकर भगवंतों का स्मरण करने के लिए आगे की ओर बढ़ते हैं। और 16 कारण व्रत चल रहे हैं, इसलिए 16 कारण का भी अर्घ होगा। और आज पार्श्वनाथ जिनालय के दर्शन हम करने पहुंचे थे, इसलिए पार्श्वनाथ भगवान का अर्घ भी हम पढ़ेंगे। प्रारंभ करते हैं 24 तीर्थंकर भगवंतों का अर्घ। जल फल आठो सुचि सारिका को अर्घ करो, तुमको अर्घ को अवतार भव हरि मोक्ष बनो। चौबीसों श्री दिन चंद आनंद चंद सरि, पद जगत हरत भव मंद पावत मोक्ष मही। ओम श्री विश्वादिक वीराज्यभ्यो अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। आइए हम सभी, अभी हमने 24 तीर्थंकर भगवंतों का स्मरण किया। पार्श्वनाथ भगवान जो कि हमारे गांधीगंज के भव्य जिनालय में विराजमान है, उनका अर्घ अर्पित करने के लिए बढ़ते हैं। नीरगंड अक्षतांशु पुष्प चारु लीजिए, दीप धूप छी फलादि अर्पति दीजिए। पार्श्वनाथ देव शिव आपकी करु सलाम, दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदाम। श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। शासन है भगवान महावीर स्वामी की जय हो। जल फल वसु सजिम दान तन मन मोह धरो, गुणधारु भव तज पान भूतज पाप हरो। श्री वीर महाति वीर सन्मुख नायक हो, जय हर भगवान गुण वीर सन्मुख दायक हो। ओम भीम श्री महावीर जिनेन्द्राय अनर्घ पद प्राप्त है अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। आइए 16 कारण का अर्पित करते हैं। जल फल आठो दरब चढ़ाए, ध्यान त्रिवरत करो मन राज दर्शन विशुद्धि षोड़श कारणेभ्यो अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्वपामिति स्वाहा। आइए समुच्चय मार्ग की ओर बढ़ेंगे। 10 लक्षण पर्व बहुत नजदीक है, समय का परिवर्तन पूजा का होगा। उस तैयारी और उस विकल्प के साथ में 8:30 बजे पूजन पूर्ण हो जाए करेगी, 7 बजे से प्रारंभ होगी। लगभग हमको इससे भी त्वरित गति के साथ में आराधना पर्व के साथ में अनेक पूजाओं का लाभ मिलेगा, इसलिए समुच्चय मार्ग के साथ में हम पूजन विसर्जन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रारंभ होता है समुच्चय मार्ग। मैं देव श्री अरहंत पूजो सिद्ध पूजो चावेसो आचार्य सी कुविदाय पूजो साधु पूजो आवेसो। अरहंत वासित मैं पूजो आदशा
श्री सम्मे शिखर जी कैलाश जी गिरनार जी चंपापुर जी पावापुर जी आदि सिद्ध क्षेत्र अतिशय क्षेत्र विद्यमान बीस तीर्थंकर भगवान के 1008 नाम श्री विश्वादिक महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकर भ्यो जनार्गम नार्गम निर्वपामेति स्वाहा। इस तरह से अभी हम सभी ने बहुत ही सुंदर विद्यमान बीस तीर्थंकरी भगवंतों की पूजन के उपरांत समुच्चय महार अर्पित किया। आज मोक्षु महिला मंडल छिंदवाड़ा के मंगल आह्वान पर आज की ये पूजन दशरक्षण पर्व की पूर्व वेला पर आयोजित हुई थी। आइए हम इस मोक्षु परिवार की बहुत सारी माताएं बहने हैं हमारे साथ में, जिन्हें आपने केसरिया वस्त्र पर देखा होगा। मैं उसमें से किन्हीं एकाद के माध्यम से आज की पूजा के जो आपने आमंत्रण किया, आपके कैसे भाव सजे, कैसा आपको लगा, और अपने नगर के भगवंतों के दर्शन पूजन सभी साधन में वो हमने अपने आमंत्रण पे कराया, इस विषय में हम उनका भाव जानने के लिए चलते हैं। मैं स्क्रीन के ऊपर यदि कोई स्वेच्छा से कहना चाहे तो अपना हाथ उठा सकता है, और नहीं तो फिर मुझे जो भी स्पॉटलाइट पर कैमरे में पहले दिख जाएंगे हम उन्हें आमंत्रित कर लेंगे। जी जी, हमारे पारसमणि परिवार के तरफ से दो पीढ़ियां एक साथ बैठी हैं, और उसमें से हाथ उठा है आदरणीय मम्मी जी का। मैं आमंत्रित करता हूँ, भाभी जी आप वहां से माइक आपका अनम्यूट करें। आपका माइक अनम्यूट करने का एक मैसेज आपको पहुंचा होगा, पर शायद हाँ करिए। देखिए मैसेज आया है, कुछ तकनीकी कारण हो सकता है। चलिए कोई बात नहीं है, उन्होंने प्रसन्नता से हाथ उठाया था इसका मतलब है, और जिस उत्साह के साथ पूरा परिजन बैठे हुए हैं तो निश्चित ही कि बहुत आनंद का अवसर उनके लिए है। आइए और भी परिवार है हमारे, कौशल जी परिवार एक दिन ये भी पूजन आमंत्रण करता बने थे। मैं आमंत्रित करता हूँ कौशल परिवार से, जो हमारी तीन बहू है, तो तीन बहुओं में इसमें छोटी बहू ग्रुप भी है और बड़ी बहू ग्रुप भी है, तो इनमें से जो भी बोलना चाहें, हम दोनों में से आपकी भावनाएं अभिव्यक्त करना चाहते हैं। आपका माइक अनम्यूट करिएगा। हाँ हो गया आपका, बोलिए, स्वागत है। जय जिनेन्द्र, बहुत ही अच्छा लगा आज पूजन में, बस ऐसा ही मिलता है।
थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, इतने नजदीक रहते हैं कि अगर हम माइक ना भी चालू करें वहां से जोर से बोलेंगे तो भी आवाज आ रही है, लेकिन अब प्रत्यक्ष तो दिखाना जरूरी है। ठीक है, आपकी मुस्कुराहट इस बात को बताती है, क्योंकि हमको बहुत डर लगता है हमारे घर में जरा सी भी जोर से बात होए तो आपको पता लग जाता है। आप थोड़ा जोर से एक बार जयकारा लगा दीजिएगा। जय श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो, जय हो, बहुत बढ़िया। बस इतनी आवाज की जरूरत थी, और बहुत सुंदर आप सभी ने, जो भावना भाई पूरे मोक्ष महिला मंडल परिवार ने, हम उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आइए शांति पाठ प्रारंभ होता है। शास्त्रोक्त विधि पूजा महोत्सव सूर्यपति चक्री करे, हम सारी के लब पुरुष कैसे यथा विधि पूजा करे। विसर्जन पाठ बिन जाने बाजान के रही टूट जो को तुम प्रसाद दे परम गुरु सो सब पूर्ण हो। जय नम जय तो शासनम।
जबले महावीर भगवान की जय हो, जबले पार्श्वनाथ भगवान की जय हो, जबले बीस तीर्थंकर भगवंतों की जय हो, जबले विक्रागी जैन शासन की जय हो। इस तरह से आज हम सभी ने विद्यमान बीस तीर्थंकर भगवंतों की बहुत ही सुंदर पूजन भक्ति का लाभ प्राप्त किया। आइए हम सभी इस क्रम में अभी एक बार पुनः उस मंदिर के दर्शन करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे, और उसके पहले आप सभी को स्मरण ही है मेरी भावना की कक्षा रात्रि में 8 से 9 के बीच में चलती है, और 8 से 9 के बीच में इस भक्ति के क्रम में हमारा एक क्रम रहता है। जो भी परिवार आमंत्रण कर्ता के रूप में होते हैं उस परिवार का कोई सदस्य रात्रि में भक्ति करता है, जो भी मुमुक्षु मंडल महिला परिवार के सदस्य गण में से नाम अपना प्रेषित करेंगे स्वाध्याय प्रेमी ग्रुप में या मेरे व्यक्तिगत नंबर पे, तो हम रात्रि में उनको भक्ति के लिए आमंत्रित करेंगे। टाइमिंग आप ध्यान रखें 8 बजे से चालू होता है, 9:15 बजे अपना रात्रि का स्वाध्याय पूर्ण होता है। पूजन का समय कल प्रातः आगामी 2 दिवस तो रहेगा 7:30 से इसी समय पर, और दशलक्षण पर्व में वह समय परिवर्तित होगा, 7:00 बजे से पूजन होगी 8:30 बजे तक। इस तरह से आप सभी इसी भावनाओं के साथ भगवंतों के दर्शन पूजन और आत्म आराधना के दशलक्षण पर्व में जुड़े रहे, इसी भावना से आइए डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से पार्श्वनाथ जी मंदिर के दर्शन करते हैं। जिनवर की श्री जिनवर की दिव्य देशना फैला रहा जहान में, मंगलमयी जिन शासन ध्वजिए लहराता है शान से, मंगलमयी जिन शासन ध्वजिए लहराता है शान से, लहराता है जहान में, मंगलमय जिन शासन भजिए लहराता है शान से, मंगलमय जिन शासन भजिए लहराता है शान से। अनेकांत की वस्तु व्यवस्था कांद्यों तक जग में न्यारा, स्यादवाद चिन्हों से अंकित केशरिया ध्वज अति प्यारा, मुक्ति मार्ग का दिग्दर्शक ये भव्य कहे बहुमान से, लहराता है लहराएगा लहरा रहा जहान में, लहराता है त्रय के पावन नभ पर फहराता है मन भावन, सिद्धालय की ओर बढ़े जो उनकी परिणति हो पावन, पाए भविजन हो, पाए
विजन भव का किनारा मिला मुक्ति सोपान है लहराता है लहराएगा लहरा रहा जहान श्री जनवर की दिव्य देशना फहराता जहान में मंगलमय जन शासन भजे लहराता है सांझ से ऐसे भव्य जिनालय में पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन और भी सितंकर भगवंतों की पूजन के बाद निश्चित ये भावना हमारे हृदय में सजनी चाहिए कि भगवंतों का ये जो निर्दोष निर्ग्रंथ मार्ग है इसकी प्रभावना होती रहे और हम उस तत्व का लाभ लेकर के अपने संसार अभाव के उपक्रम को उग्रता से बढ़ा सके इसी मंगल भावना से आइए सभी साधन में बंधुओं को जय जिनेन्द्र। हम सभी रात्रि में 8 बजे अपना जो मेरी भावना का स्वाध्याय है उसके माध्यम से जुड़ेंगे और जो परिवार भक्ति के रूप में नाम हमें प्रेषित करेगा मतलब महिला मंडल परिवार में से कोई भी महिला मंडल अगर अधिक नाम आएंगे तो हम ड्रॉ सिस्टम से उन्हें ले लेंगे और यदि एकाधी नाम आया तो हम उन्हें आमंत्रित करेंगे। आपको जूम से कनेक्ट रहना है रात्रि में ताकि आपके द्वारा सभी लोग भक्ति का लाभ ले सके। सभी साधन में हो जाते हैं विवेक भैया जी। हाँ हाँ आप लोगों को बहुत 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 धन्यवाद बहुत धन्यवाद। हाँ उस समय आपकी आवाज नहीं आ पाई थी एक मिनट आपको स्पॉटलाइट कर दे रहे एक मिनट मम्मी जी एक मिनट रुकिए आपकी आवाज आने लगी हम आपको स्पॉटलाइट पे कर रहे हैं अब आप बोलिएगा। हाँ बोलिए आप सबको धन्यवाद बहुत बहुत और हमें बहुत खुशी हुई और हमें ऐसा लग रहा था कि हम मंदिर में ही पूजा कर रहे हैं बहुत आनंद हुआ। बहुत अच्छा आप सभी का ये उत्साह निश्चित ही इस बात को द्योतित करता है आप सब बहुत स्वाध्याय लोग हैं ये हमारे भले मुमुक्षु मंडल के वृद्ध वयोवृद्ध लोग में से इनका एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो प्रतिदिन मतलब 4-6-8 घंटे स्वाध्याय तो मेरे को ऐसा लगता है मंदिर में ही बैठ के आप लोग करते होंगे। निश्चित ही आप सबसे हमको भी प्रेरणा मिलती है और आपने हमारे इस उपक्रम के लिए जो हमें आशीष दिया हम निश्चित ही अपने उस उपक्रम में आगे की ओर बढ़े धर्म आराधना के कार्य में प्रभावना के कार्य में आत्म कल्याण के कार्य में इसी भावना से विराम लेते हैं। सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र। कितना सो जाता है ये तो मंदिर।